सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नाम है कि जब से कोरोना महामारी का लॉकडाउन लगा है तब से कांटी विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में हम मास्क, साबुन, सैनिटाइजर बांट रहे हैं। उसके बाद गरीब, असहाय, विकलांग, विधवा के बीच खाद्य सामग्री भी बांटे राष्ट्रीय जनता दल परिवार के बैनर के तहत। उसके बाद लालू रसोई 8 दिन तक दिन रात चलते रहा, जो प्रवासी मजदूर के लिए लालू जी की रसोई के नाम से राष्ट्रीय जनता दल प्रवासी मजदूर के खाने के लिए भेज बिरयानी और पानी का इंतज़ाम और दवा के इंतज़ाम किया गया। उसके बाद कोरोना महामारी से बचने के लिए जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में 2 PSC है, एक मरवन और एक कांटी, जो बिहार सरकार के लूंज पूंज व्यवस्था है, उस लूंज पूंज व्यवस्था में संसाधन नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी के टीम कोरोना योद्धा के रूप में जो लड़ रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार स्वास्थ्यकर्मी को धन्यवाद दे रहे हैं। कोई साधन नहीं है, सरकार से नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग लड़ रहे हैं। मास्क नहीं है, PPE किट नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके बावजूद भी जान पे खेल के ये लोग सब जितने भी आते हैं सब लोग को टेस्ट करते हैं, उसके बाद उनके सेवा में लगे हुए हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार के ओर से हम लोगों ने मरवन में PSC में भी 5 किट सैनिटाइजर मास्क देने का काम किया और आज कांटी PSC में भी 5 PPE किट, सैनिटाइजर और मास्क दिए हैं। और मैं फिर जब तक जैसा ज़रूरत होगा, मैं प्रभारी महोदय को बोला हूं कि जो भी सामान की जैसा ज़रूरत होगा, हमारा राष्ट्रीय जनता दल परिवार कांटी विधानसभा क्षेत्र की महान जनता के लिए एक पैर पर खड़ा है। सारा कार्यकर्ता रात दिन लगा हुआ है कि इस महामारी से कैसे बचाव हो सके। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी जी से कि जो क्वारंटाइन सेंटर का हाल है वह बहुत बुरा हाल है। कांटी में जो प्रवासी मजदूर आए हैं, आज कांटी हाई स्कूल में सब लोग जितने भी प्रवासी मजदूर थे वो बाहर निकल गए, हंगामा करने लगे। उनको खाना का व्यवस्था ठीक नहीं है, रात में बिजली यहाँ के प्रशासन के तरफ से रात में 12 बजे के बाद इनका जनरेटर बंद कर दिया जाता है। 2 दिन पहले एक सांप निकल गया था, फिर हंगामा हुआ, भोजन सही नहीं मिल रहा है। आज वो भी जो प्रवासी मजदूर है, बाहर कहीं का नहीं है, हमारे समाज का बेटा और भतीजा है, वो कोई जेल में बंद नहीं है, कैदी नहीं है, उसको कैदी से भी ज़्यादा तकलीफ दिया जा रहा है। इसके चलते आज वो सब लोग निकल के बाहर निकल के सड़क पर आ गया था। मैं जिलाधिकारी महोदय को कहना चाहता हूँ कि आप अपने देखरेख में इस कांटी विधानसभा क्षेत्र में जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उसको सही से वहाँ इंतजाम करवाइए, सही से व्यवस्था करवाइए कि किसी तरह के उसको दिक्कत नहीं हो। वो कैदी नहीं है, हमारे समाज के बेटा और भतीजा है। और मैं तीसरा बात कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो प्रवासी मजदूर आया है उसको जल्द से जल्द रोजगार मुहैया करने का काम करे, मनरेगा के तहत उसको जो बाकी है उसको जॉब कार्ड खोले, आप काम दे। हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र में जो सरकारी वर्क हो रहा है हरियाली के तहत, जल हरियाली के तहत जो काम हो रहा है उसमें मजदूर के जगह पर उसमें मशीन लगाया जा रहा है। मरवन में भी कई पोखरियों का उगाही हो रहा है सरकारी योजना, जिसमें मजदूर के जगह पर JCB लगाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ मजदूर के आप कैसे काम देंगे जो मशीन से होगा, ये बेचौलिया और प्रशासन मिल के सारा लूट रहा है। तीसरा बात, आपका तीसरा महीना होने जा रहा है, अभी राशन कार्ड जो लंबा पड़ा हुआ है लेके अभी तक आया नहीं, बना नहीं, उस राशन कार्ड भी बनना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। 1 महीना का पैसा कुछ लोग को आया और बाकी है खाता में, वो पैसा कब आएगा? क्या लगता है सरकार पूरी तरह से फेल? सरकार पूरी तरह से फेल है, एकदम कहीं कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन चौपट है। ये जो अंचलाधिकारी से लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी तक जितने लोग हैं एकदम हाय तवा मचाए हुए हैं, अपने अपने कमाने के फेर में पड़े हुए हैं, जनता को छोड़े हुए हैं, जनता भाग भरोसे है, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मांग करता हूं कि एक तरफ से
जितने भी प्रवासी के साथ साथ जो भी लोग बिहार के जनता है, हमारे कांटी विधानसभा के जनता है, सबको रेंडम टेस्ट कराइए, उसके बाद फिर तब जांच में एक दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप कब तक इसको उझला के रखिएगा? कितना दिन हो गया मुख्यमंत्री जी, एक तरफ से रेंडम टेस्ट कराइए, तभी जाके कोरोना का सही जाँच होगा। धन्यवाद।